हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों, कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर मैंने लिया था 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। और हाँ, एक बात बता दे रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करना है अभी। सब्सक्राइब चैनल को मत करिए, सब्सक्राइब अभी आपको नहीं करना है। सब्सक्राइब तबे करना है जब यह प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। जब ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कर रहा है। यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 दिया है तब साइन स्क्वायर ए का मान पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/√2, ऑप्शन नंबर डी 3/√2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हल में दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। सबसे पहले यहां से आपको लिखना है दिया है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/√2। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/√2 दिया है। अब दोस्तों हमें साइन स्क्वायर ए का मान पूछा, तो हम एक फार्मूला आपके बताए थे। ठीक है, ना याद है ना, ना याद है तो टेंशन ना लेना भाई, हम बताते हैं ना, ना याद है तो कोई दिक्कत ना, हम आपको बताते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि यहाँ से आपको बताते हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालने वाले हैं किसका मान, साइन स्क्वायर ए का मान निकालने वाले। ठीक है, अपने से साइन स्क्वायर ए ही का मान पूछ रहा है ना भाई। तो अब देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए का जगह 1/2 रखिए, तो यहाँ पर कर रखेंगे 1/2 अब बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब इसका मान पूछा है, तो इसका जब मान पूछा तो इसको इधर बुला लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस वाले को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी इसे क्या लिखेंगे आप, इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर ए बराबर, मतलब हाई माइनस साइन स्क्वायर ए इधर बराबर किधर आया तो प्लस हो गया है, आई एक जैसे का तैसे है। अब दोस्तों ये प्लस 1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/√2 होगा। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए दोस्तों, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 + 1 = 2 होगा, मतलब इसे आप लिखेंगे 2 - 1/√2 अब बराबर क्या होगा दोस्तों, 2 - 1/√2। ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या करेक्ट आंसर रहेगा 1/√2। ठीक है, तो अब हम थोड़ा ऑप्शन में देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया, 1/4, ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 1/2, तो 1/2 आया हल करने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/2। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।